हेलो फ्रेंड्स, डायपर्स को लेके हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग है। कुछ लोग जो क्लोथ नैपीज होते हैं, जिनको लंगोट भी कहते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, वो लोग ये जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं उनको बेस्ट मानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी चीज के, इस सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे एनकरेज करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। डायपर्स को लेके हमारे मन में इतना डर क्यों आया? हम ये सोचने पे मजबूर क्यों हो गए कि ये जो डायपर हम अपने बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो सेफ है या नहीं? तो मैं आपको इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब डायपर इंट्रोड्यूस हुए थे तो एक सिंपली जैसे डायपर किसी ने यूज किया, किसी के बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई डायपर के यूज करने के बाद में, जिसने उस यूएस की कंपनी थी उसके ऊपर ये प्रॉब्लम रेज किया कि मैंने इस कंपनी का डायपर अपने बच्चे को यूज किया और ये प्रॉब्लम हुआ। तो यूएस की उस कंपनी ने एक सीक्रेट रिवील किया। वो क्या था कि जितनी भी डायपर की कंपनीज होती हैं, वो सभी ये केमिकल्स यूज करते हैं जिसका नाम है सोडियम पॉलीएक्रिलेट और डायक्सिन करके। ये दो केमिकल होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और भी केमिकल होते हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी या यहाँ पे दे दूंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो केमिकल्स बच्चे की स्किन से टच होते हैं तो वो काफी हार्मफुल होते हैं। तो उसके बाद में एक क्या किया ये कंपनीज वगैरह ने कि जब वो केमिकल्स आज भी यूज हैं, आज भी हर कंपनी के डायपर्स में वो केमिकल मौजूद होते हैं, बट अभी क्या होता है जो अच्छी कंपनीज हैं, जो केमिकल्स जो सोडियम पॉलीएक्रिलेट की लेयर लगाने के बाद में वो एक शीट ऑल लगाते हैं उसके ऊपर, जिससे कि जो केमिकल है वो बच्चे की स्किन से टच ना हो। तो अभी ऐसे में होता क्या, आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आप डायपर यूज कर रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज किया करो। उसका रीजन ये होता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो डायपर क्या होता है, अच्छे से जो वेटनेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर धीरे धीरे क्या वो एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो डायपर की ऊपर वाली लेयर होती है वो डैम्प होने लगती है। वो जब डैम्प हो जाती है तो थोड़े टाइम में जो केमिकल होता है वो बच्चे की स्किन से टच हो जाता है, और जिसके कारण बच्चे को काफी प्रॉब्लम होती है, जिनमें से एक बेसिक और कॉमन प्रॉब्लम होती है रैशेस का होना। आप कोई भी चीज यूज करो, अगर वो नेचुरल है उससे बेटर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस है कि आप क्लोथ डायपर यूज करें, क्लोथ नैपीज यूज करें अगर आपके पास में। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि क्लोथ नैपीज क्यों बेटर होते हैं, वो दूसरा इसलिए कि जो क्लोथ नैपीज होते हैं वो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल डायपर्स को आप ऐसे ही डंप कर देते हैं, लेकिन क्लोथ नैपी को आप वॉश करके री यूज करते हो, तो इसलिए क्लोथ नैपीज इसलिए भी बेटर होते हैं। आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। क्लोथ नैपीज को आप बार बार रीयूज करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत चीप पड़ती हैं। वहीं आप डायपर अगर डिस्पोजेबल डायपर यूज कर रहे हो तो वो बहुत महंगा पड़ता है। फोर्थ रीजन ये है कि जो बच्चा है वो क्लोथ नैपी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है रादर देन डिस्पोजेबल डायपर्स में। उसका रीजन ये है कि जो डिस्पोजेबल डायपर होता है वो बहुत ही ज्यादा टाइट होता है बेसिकली बच्चे के, क्योंकि लीक नहीं करे, ये ही उसका मेन मोटो होता है, तो इसलिए वो काफी टाइट होता है सारी तरफ से, थाइस से, और बच्चे की वेस्ट पे काफी टाइट होता है, तो वो बच्चे को उतना काफी अनकंफर्टेबल रहता है। और जो क्लोथ स्पेशली ये जो लंगोट होती है इसमें बच्चा काफी अच्छा फील करता है, क्योंकि इसमें मतलब एयर पास होती रहती है अच्छे से, तो बच्चे का अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए डायपर यूज करती हूँ और मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बल्कि मेरे को हाइजीनिक लगता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि एक तरफ वो लोग भी ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अगर आपने सपोज क्लोथ नैपी में बच्चे को लिटाया हुआ है, अब बच्चा सुसु कर गया और आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप हर वक्त अगर बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते और आपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया तो वो बच्चा काफी देर तक वो गीले में पड़ा रहेगा, तो वो अनहाइजेनिक भी होगा, बच्चे के लिए भी वो खराब होगा, उससे बेटर डायपर है। इसलिए अगर आपकी लाइफ थोड़ी ऐसी है कि हाँ आप बच्चे को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको बाकी के भी काम करने हैं, तो फिर आप डायपर की तरफ ही जाओ। बट उसको भी यूज करने के एक प्रॉपर तरीका होता है, वो मैं आपको एक वीडियो में ऊपर मैं आपको कार्ट में दे दूंगी, आप एक बार वो चेक जरूर कर लेना। तो
उसके लिए जिसे आपको शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम होती है डायपर्स की वजह से वो होती है सिर्फ रैशेस, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं आपको दिखती। या फिर थोड़ा सा बच्चे के वेस्ट पे या इनर थाई पे थोड़ी सी धारियां बन जाती है क्योंकि डायपर थोड़ा टाइट होता है, इसलिए आप हमेशा एक नंबर बड़े डायपर पे जाओ, बेसिकली ये एक टिप है। और इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि डायपर थोड़ा टाइट होता है, जब बच्चे उसको मतलब उसमें यूरिन कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है अगर आपने उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं चेंज किया, तो भी वो बच्चे को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं डायपर को काफी अच्छा मानती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि पहली चीज अगर आप डायपर ठीक तरीके से यूज कर रहे हो तो बच्चे का जो हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। सेकंड चीज अगर आप डायपर यूज कर रहे हो तो बच्चा आराम से सो पाता है, अगर आप कपड़े की ये लंगोट यूज कर रहे हो तो बच्चा नहीं सो पाता, हर 15-20 मिनट में आधा घंटे में बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती रहती है, उससे बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। अगर आप डायपर यूज कर रहे हो तो आप अपने घर के काम या आप दूसरी चीजों पे अच्छे से ध्यान देके काम कर सकते हो, उस टाइम पे बच्चा खेल रहा है या बच्चा सो रहा है तो आप अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज आपको बच्चे पे ही पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उससे काफी ज्यादा इजी हो जाता है बच्चे के लिए और मदर के लिए अगर आप डायपर यूज कर रहे हो तो। बस इसमें दो प्रॉब्लम रहती है, एक इसमें केमिकल होते हैं, दूसरा ये कि इसमें अच्छे से एयर सर्कुलेट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आप कुछ प्रिकॉशंस अगर रखेंगे तो डायपर यूज करने से आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। उसके लिए जो प्रिकॉशंस है वो मैंने इस कार्ट में मैंने वीडियो दी हुई है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और रही बात क्लोथ वर्सेस डायपर की, तो क्लोथ अपने आप में बेटर है, डायपर अपने आप में बेटर है, हमेशा नेचुरल चीजें ही सबसे ज्यादा अच्छी होती है इसलिए क्लोथ अच्छा है, लेकिन दोनों चीजें अपने आप में बेटर हैं। लेकिन अगर आप अकेले सारी चीजें मेंटेन करते हो, आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो, तो फिर डायपर एक बहुत इजी हो जाता है आपकी लाइफ के लिए। तो आप डायपर इजीली यूज करें, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आप थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखें, उससे आपके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये सारी बातें हेल्पफुल होंगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके बच्चे को आपको क्लोथ्स में रखना है या फिर आपके बच्चे को आपको डायपर में रखना है। और अगर डायपर में रखना है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें।